रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। कश्मीर में शहीद हुआ देवरिया लाल, पत्नी से किया था ये वादा, खबर आपको रुला देगी। कश्मीर में शहीद हुआ देवरिया लाल, पत्नी से किया था ये वादा, खबर आपको रुला देगी। देवरिया, जम्मू कश्मीर से देवरिया जिले का ये एक दुख भरी खबर है। यहाँ का अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में देवरिया जिले के लाल बीएसएफ के जवान सत्य नारायण यादव शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर से पूरे इलाके में शौकी लहर दौड़ गई। सत्य नारायण यादव की शहादत की खबर सुनती शहीद के परिवार को ढाढ़स बधाने वालों का तांता लग गया। उनका पार्थिव शरीर सोमवार तक गाँव आने की संभावना है। बताया जा रहा है कि सत्य नारायण यादव ने पत्नी से जल्द छुट्टी लेकर आने का वादा किया था। इसे भी पड़े में मिली जानकारी के अनुसार देवरिया सदर कोतवाली क्षेत्र के बांसा पार बैदा गांव के रहने वाले सत्य नारायण यादव बीएसएफ की 33वीं बटालियन में एसआई के पद पर तैनात थे। वर्तमान में उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में थी। बताया जा रहा है कि शनिवार की देर रात पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई। रात करीब 1:15 बजे गश्त के दौरान सत्यनारायण अचानक इस फायरिंग के जद में आ गए और वो वहीं शहीद हो गए। इनके साथ ही कांस्टेबल विजय कुमार शहीद हो गए हैं। विजय कुमार उप्र के फतेहपुर के रहने वाले थे। आज सुबह बीएसएफ के कंट्रोल रूम से सत्यनारायण की पत्नी सुशीला देवी को उनके निधन की खबर दी गई। पति के निधन की खबर सुनते ही सुशीला देवी बदहवास हो गई। सत्यनारायण के 3 बेटे शंभू, जितेंद्र और राजेश हैं। शहीद के पिता अयोध्या यादव गांव में ही रहकर खेती का काम करते हैं। इनकी मां फूल बसिया देवी का निधन हो चुका है। सत्यनारायण का परिवार घर पर ही पिता के साथ रहता है। इनका बड़ा बेटा शंभू दिव्यांग है। घर की माली हालत सामान्य बताई जा रही है।